दीप सिद्धू दे साथी कहे जाने वाले गुरप्रीत सिंह दे कतल मामले च हुण इक वड्डा अपडेट सामने आया। दरअसल गुरप्रीत सिंह दे परिवारक मैंबरां दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई है, जिस दे विच उन्हां ने सीधे ही कतल दे इल्जाम सांसद अमृतपाल सिंह अते उन्हां दे समर्थकां दे उत्ते लगाए ने। जी हाँ, दस दिए कि गुरप्रीत सिंह जो कि फरीदकोट दे पिंड हरीनो दा रहण वाला सी, जिसका कि सरपंची चोणां तों पहलां जदों उह सरपंची उम्मीदवार दे हक दे विच चोण प्रचार करके घर वापस आ रहा सी, तां रस्ते दे विच उसदा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी ते पिंड दे विच ही इस वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। लगातार पुलिस दे वल्लों दोषियां दी भाल की जा रही है, पर इसी विचकार हुण गुरप्रीत सिंह दे परिवारक मैंबर कैमरे दे सामने आए ने ते उहनां दे वल्लों वड्डे इल्जाम जो ने उह अमृतपाल सिंह अते अमृतपाल सिंह दे समर्थकां दे उत्ते लगाए ने। जी हाँ, उहनां दा कहना है कि पहला वारिस पंजाब जत्थेबंदी दे जदों मुखी दीप सिद्धू सी तां उस समय गुरप्रीत सिंह उस दे विच खजानची सी, पर जदों दीप सिद्धू दी मौत होई तां उस तों बाद अमृतपाल सिंह दे नाल गुरप्रीत सिंह दी काफ़ी अनबन रहण लगी, जिस तों बाद गुरप्रीत सिंह दे वल्लों सोशल मीडिया दे उत्ते लगातार काफ़ी पोस्टां पाईआं जांदियां ने ते इस तों बाद उसनूं धमकियां मिलण दा सिलसिला शुरू हो जांदा। हाल ही दे दिनां दे विच जदों उसदी मौत होई तां उस तों 3 दिन पहलां वी उसनूं कुछ लोगों के वलों शरेआम धमकी दी गई सी ते हुण उसका यह गोलियां मार के कतल कर दिता गया। तो परिवारक मैंबरों के वलों अमृतपाल सिंह के उत्ते इस कतल के सीधे ही इल्जाम लगाए गए हैं, पर यह जांच का विषय, पुलिस के वलों मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है ते हाल ही के दिनों के गुरप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिता गया ते परिवारक मैंबरों के वलों हाले भी पुलिस प्रशासन के कोल लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मेरा नाम सोपी सिंह, सरदार नरमल सिंह, ये मेरे ताया जी है सरदार हाकम सिंह, ये मेरे ताए जी है रविंद्र कौर जी, तो मैं गुरप्रीत सिंह का चचेरा भरा। सो मैं 2018 तो 2021 तक अमृतपाल के नाल रह रहा है दुबई। उस वेले भाई गुरप्रीत सिंह भी दुबई रह रहा है। जदों किसानी मोर्चे के भाई दीप सिद्धू की शमूलियत होंगी है तो भाई गुरप्रीत का तो भाई दीप सिद्धू का राबता होंगे, उन्होंने आपसी मेलजोल जोड़ा है वो होंगे सोशल मीडिया से। फिर 15 दिसंबर 2021 में भाई दीप सिद्धू जो जथेबंदी बनाते हैं तो वह जथेबंदी के भाई गुरप्रीत सिंह 9 मुढ़ले मैंबर के एक होंगे है तो भाई गुरप्रीत सिंह की ईमानदारी भरोसेयोगता देखते हुए भाई दीप सिद्धू वालों उन्होंने जथेबंदी का खजानची नियुक्त किया जाता। पर उस तो बाद जो भाई दीप सिद्धू की डैथ होंगी है तो जिहड़ा मुंडा अमृतपाल सिंह ये पंजाब आउंदा तो इहनू इन्हां सारे बंदियां वालों भाई गुरप्रीत सिंह होरां वालों दूसरे बंदियां वालों जथेबंदी का जिहड़ा वह मुखी लाया जाता। पर अमृतपाल वारस पंजाब की जथेबंदी का मुखी लाने तो थोड़े समय बाद ही इन्हों कुछ बंद जथेबंदी के कुछ जोड़े मेन बंदे उन्होंने जो सिद्धांत बखरेवें शुरू हो जाते हैं तो भाई गुरप्रीत सिंह ने पहला मिल के भी उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की एंडोर तो पर जो उन्होंने नहीं गल मनी तो उन्होंने सोशल मीडिया से जोड़े अपने इतराज से अपनी असहमतियां सगिया तो कुछ सिद्धांतक बखरेवे लैके जो उन्होंने विरोध है वह सोशल मीडिया से दर्ज करवाना जरा शुरू करता। उस तो बाद एक लगातार अमृतपाल सिंह के समर्थकों वालों वो प्रति वो खिलाफ नफरत का माहौल जोड़ा बनाया जाता तो वो समर्थकों वालों लगातार उन्होंने थ्रेट किया जाता तो उन्होंने कतल तो कुछ दिन पहले ही इन परसन बंदे आके उन्होंने धमकियां दे के जाते हैं कि तुम अमृतपाल सिंह के जिला खिलाफ लिखते हैं भी वह बंद कर दो, जे नहीं तो ये नतीजे है जोड़े वो बहुत माड़े निकलेंगे। सो इन धमकियों तो सानू यकीन आ कि जोड़ा बई दी जोड़ा बई गुरप्रीत सिंह का जोड़ा कतल आ वो अमृतपाल सिंह के समर्थकों वालों अमृतपाल सिंह होर वालों करवाया गया। सो असी ये चाहिए भी प्रशासन को कि इस जी तहकीकात वो भी तरीके की जाए।